चलते जहां पर उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके आवास पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। और बड़ी तादाद में, जिसे कह सकते हैं तमाम नेता मंत्रीगण, उनके चूचाने वाले हैं, वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर इस वक्त आप देख सकते हैं उनके आवास पर है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में उनके आवास पर पहुंचेंगे। और इसके बाद जो पार्थिव शरीर को आप देख रहे हैं, ये पार्थिव शरीर विधानसभा ले जाया जाएगा, जहां पर 1 बजे तक पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शन करने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त उनके आवास की आप देख रहे हैं, जहां पर कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर रखा गया है। थोड़ी देर पहले बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंची हैं अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित की है। और तमाम नेता, तमाम मंत्री इस वक्त अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर पहले आपने देखा, हमारे संवाददाता ने भी बात करी, राज्यपाल बेबी रानी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने भी, जैसा आपने देखा, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री जी से बात करी साफ तौर पे। वो भी जिसे कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए थे और साफ तौर पे उनके जीवन के बारे में बता रहे थे। और इस बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, खबर लखनऊ से है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एयरपोर्ट पहुंची हैं रिसीव करने के लिए।